अच्छा इसी में चल रहा है जी। कितने आते हैं यहाँ पे जिम में लोग? यार इसके अंदर दारू, ये बताओ जिम के अंदर दारू, ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होगा ये? जी जी इसको एक्सरसाइज ऑफिसर को बुला के देना चाहिए उनका इनका एक्सरसाइज। लेकिन यार जिम के अंदर दारूबाजी चल रही है, अच्छी बात नहीं सही। इसमें और है, अरे मैं अरे बताइए जिम से चल रहा है धंधा असली है। ओहो बताओ तो इनका चलान चलान हो जाए एक्सरसाइज का। होटल जगत इनके बनाओ वो डब्बा के आया जाए ना। ये क्या चीज़ है, कैसी कैसी चीज़ें खिला रहे लोगों को। और शराब की बोतलें वहाँ पे मिली हैं, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं। तो मेरा सबसे पहले तो इसमें ये कहना है कि जिम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी हेल्थ के लिए जाता है, एक हेल्थ गिविंग जगह है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों तो काफ़ी गलत है। लगा बेटा चेंज रूम दिखा दो, वही देखना चाह रहे थे। वैसे मेरे को तकलीफ नहीं जिम से। इंजेक्शन तो नहीं पड़ा बियर इसके अंदर दारू, ये बताओ जिम के अंदर दारू, दारू जिम के अंदर ये जिम से इससे बॉडी बन मारे दारू से, ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होगा ये? जी जी इसको एक्सरसाइज ऑफिसर को बुला के देना चाहिए उनका इनका एक्सरसाइज। अब तो खोलने पड़ेंगे भाई तुम्हें गॉड फादर इलेक्ट्रा। जी खोलो भाई, ये ताला खोलो, तुम ताला खोलो, आप पकड़ लीजिएगा सर। लेकिन यार जिम के अंदर दारूबाजी चल रही है, अच्छी बात नहीं सही। इसमें और है, अरे अरे बताइए जिम से चल रहा है धंधा असली है। ओहो बताओ यार बताओ जिम के अंदर, हम तो आए थे कुछ और देखने। ये कौन सी दारू, ऐसे तो नहीं दारू सप्लाई हो रही है? लेकिन ये सारे ताले खोलो यार, ये तो गलत बात है। इसका आबकारी में चलान करना पड़ेगा। क्या नाम है जिम का? प्रतिबंधित एरिया भी है सर, सिगरेट सब नगर निगम से पूरी दुकान चलती है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। अरे प्रशांत मैं आया था यहाँ ज्वालापुर में मॉडल कॉलोनी में, तो ये प्रतिबंधित एरिया दारू वारू पड़ी हुई है जगत इनके बराबर में, तो इनका चलान चलान हो जाए एक्सरसाइज का। ठीक है होटल जगत इनके बराबर वो डब्बा के सब ऐसा है वो। ये सर सर ये तो मल्टीविटामिन ये मैं आप कैसे बेच सकते हैं सर? बेच नहीं है ये तो लॉकर में लड़के वगैरह की रखी हुई है। ये क्या डाया ना, ये क्या चीज़ है, कैसी कैसी चीज़ें खिला रहे लोगों को सर जिम के अंदर? बहुत गलत बात है। वैसे जिम कहाँ है, क्यों कर रहे हो ये सब काम? है प्रतिबंधित क्षेत्र में हरिद्वार के अंदर दारू वारू बिकवा रहे हो, गलत बात है। वो निकालो वो जो बियर रखी है, तो खाली भी तो कम थोड़ी ना है भाई ये। गॉडफादर बियर, गलत बात है यार ये। हरिद्वार में आप ये सब कर रहे हैं, वो भी इनसाइड इनसाइड जिम आउट ऑफ ऑल प्लेसेस, तो प्रतिबंधित तो है ही। जिम जो है हेल्थ गिविंग जगह है, अरे दवाइयाँ भी वही है। कौन सी अर्चना फोटो खींच रहा है? जिम जेम्सियम, जेम्सियम क्या होता है आप लोग खाते हैं? बताओ यार, वो तो मैं ऐसे ही मुड़ गया, मुझे तो जिम देख लेते हैं। मैं तो पेट्रोल पंप देखने आया था सर, यहाँ सर अचानक पेट्रोल पंप का निरीक्षण कर रहे थे आप, यहाँ जिम में आए यहाँ का? अभी पूरी कंप्लीट कहाँ हुआ छापा, जल्दी जल्दी घर भागने की अपल के लिए रुकी है।
सारे खुल गए, चाबी तो इन्हीं के पास थी यार। खुल क्यों नहीं रहा है? और कौन कौन सी 8 पीएम पी सब है सर? देखो यार जितने हाई फाई है। एक दो हफ्ते ये भी तो नहीं खोला मनीष, ये भी खोल रहे हैं सर। हां अच्छा, हाथ से मारो नहीं दवाई ऊपर से दिखाना भाई। हाथ शहर में जिम खुले हैं मिश्रा जी। ये सामान को मिलाने मोड़ में कम से कम 10 होंगे। और ये हर गली में खुल रहा है, ये भी कम से कम 10 के बारे में 10 होगा। आपके हिसाब से सब में चल रहा है? सब में चल रहा है। स्नूकर में जिम्स के अंदर नहीं, स्नूकर में जाता है। स्नूकर में तो स्नूकर में जाता है जुआ शराब। आपने कौन से वाले में देखा था? ये बिल्कुल ये रहा मतलब स्नूकर है। जी जी, 2 मिनट का। चलो इसके बाद बंद तो नहीं होगा? मैंने तो रात के 12 बजे तक 12 बजे इसका बताओ पहले जिम का। जिम ने तो यहाँ पे बहुत बड़ी जगह लड़ाई हो रखी है। लड़ाई नहीं, मतलब दारूबाज वगैरह तो गलत बात है ना। दारूबाज भी क्या काम की बात होता है? आप केवल जिम से संबंधित कोई सूचना है? असली बात है, ये क्या शीशा? पर ये बताओ यार, ये ड्रिंक कौन कर रहा है रोज? ये लोग ये क्या है मनीष, टॉयलेट में तो नहीं? इसके अंदर क्या इतना ही प्राइवेट स्पेस है? और भी होगा ना? नहीं नहीं सर, यही प्राइवेट स्पेस यही है। आप आते हैं? नहीं नहीं, मैं आता नहीं, बॉस में ही रहता है। चेंजिंग रूम कहाँ है? यही चेंजिंग रूम, यही है ना। इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है? ऊपर रेजिडेंस है इनका। चेंजिंग ऊपर क्या रेजिडेंस है इनका? घर है। घर में क्या दारू? घर अभी मैं चेक नहीं करना चाहता, लेडीज वगैरह होंगी अभी घर पे। इट्स नॉट राइट। बोलो भाई, खोलो खोलो उसको देख के। या तो हमारे पास अभी लेडीज स्टाफ होता चला जाता। घर में तो लेडीज स्टाफ नहीं मेरे पास ना, घर चेक नहीं करता। नहीं नहीं, अपना घर है, मैं 24 घंटे। नहीं नहीं, मैं नहीं चेक करेंगे मैम। मैं सफाई ये बहुत गलत बात है, मैं ही साफ सफाई करवाती हूं। नहीं बट एटलीस्ट आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये जिम में सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए, ड्रिंक्स वगैरह तो जिम में नहीं चलनी चाहिए, गलत बात है। मैं 24 घंटे में ही रहती हूँ, सफाई वगैरह नहीं। तो फिर ये तो फिर ये कौन शराब ला रहा है यहाँ पे? सारी लेडीज वगैरह सब साफ सफाई सब वही करती हैं। लेडीज सफाई वाली भी लेडीज है। आपके बेटे हैं? हाँ जी। क्यों कर रहे हैं मैम ये ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे जिम के अंदर? यहाँ तो काम करने वाली भी मोस्टली सब लेडीज ही हैं, सफाई करती हैं वो भी लेडीज करती हैं। घर चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, जी घर ऊपर है ना जी जी, वहाँ तो नहीं रखा कुछ जी सर। हम फैमिली वाले हैं, सारे बच्चे हैं हमारे, ऐसे थोड़ी करेंगे जिम में, ये सब नहीं होना चाहिए जी। ओके सर, सॉरी सर। ओके मेरी सफाई भी मैं ही, लेडीज आती है उससे मैं ही करवा के जाती हूँ। तो फिर आपको कितनी बार शराब की बोतलें मिली? मुझे तो कभी नहीं मिली। बिटिया मेरी बिटिया है छोटी-छोटी, वो भी सफाई मिली, वही सफाई वगैरह भी हम खुद ही कराते हैं। सफाई नहीं हो रही है? हां भाई चलो, वो बच्चा स्कूल पर दिखा रहा था। चलो 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 उधर से चलो। कई दिनों से मुझे इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि हरिद्वार में बहुत से जिम्स ऐसे हैं जिनमें कि शराब दी जा रही है, या प्रतिबंधित जो हैं दवाइयां, सिरिंजेस, प्रतिबंधित आपके स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। तो ये देखते हुए ये छापेमारी मैंने कल की थी, और एक जिम में जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी मात्रा में इस तरह की प्रतिबंधित चीज़ें मिली और शराब की बोतलें वहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं। तो मेरा सबसे पहले तो इस पे ये कहना है कि जिम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी हेल्थ के लिए जाता है, एक हेल्थ गिविंग जगह है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों तो काफ़ी गलत है। सेकंडली, यहाँ पे लेडीज़ भी जाती हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी हमको ध्यान रखना होगा। और ये भी देखना है कि हरिद्वार एक धार्मिक जगह है, इसका अपना एक कैरेक्टर है जो कि रिलीजियस है। तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ पे कि शराब मिल ही नहीं सकती है, वहाँ पे मिल रही थी। ये देखते हुए जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि संबंधित धाराओं में इस जिम का चलान करें।